हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकर पर। दोस्तों, हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था एक्सरसाइज 8.4 का। 8.4 क्या क्या पढ़ा था हमने? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, यानी कि 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था हमने। आज हम जो करेंगे वो करेंगे क्या, 5 का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। दोस्तों, मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि जब भी आप ये क्लास देखें या आप क्लास पढ़ें तो आपके पास बुक होना बहुत अनिवार्य है, ताकि जब भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊं तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर दूँ, ठीक है, और आप समझ जाए कि कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, ये बात आप ध्यान से सुने, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन, आपकी समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम है आपके साथ, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है सभी। आप हमसे फेसबुक पे बात कर सकते हैं, आप हमसे इंस्टाग्राम, आप हमसे टेलीग्राम है हमारा, आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। आपको जैसे प्रॉब्लम दिखे तो आप उसी के अनुसार सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपका हम सॉल्यूशन हर प्रकार से करेंगे, चाहे आप किसी भी माध्यम से हमसे संपर्क करें, ठीक है। तो दोस्तों, आपका सॉल्यूशन हम करेंगे, और आज हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि दोस्तों समय आपके पास भी कम है और हमारे पास भी। तो दोस्तों, आप अपना समय ना वेस्ट करें, ताकि आप टाइम पे आने पर अपना समय से कोर्स कंप्लीट कर सके और अपने टारगेट, यानी कि हमारा टारगेट क्या है, 70 में से 70 मार्क्स को लाना, और हम वो अच्छे से ला पाए, ठीक है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड जो नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, कोस ए अपॉन क्या है 1 प्लस के साइन ए प्लस के क्या है 1 प्लस साइन ए अपॉन कितना है कोस ए, ठीक है। और इक्वल क्या है ये, यानी कि दो सिद्ध गणना। अब हम क्या ले रहे हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि LHS, क्या लेते हैं LHS ले रहे हैं। अब हम LHS को सोल्व करते हैं, LCM कितना आ चुका है हमारे पास, ये है एल एक तो हमारे पास और ये है, तो यही हमारा LCM है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ठीक है। अब इस साइन ए से ये साइन ए कैंसिल है, पूरा कोस की गुना ऊपर होगी, तो कितना कोस स्क्वायर ए अब प्लस ये वाला, ठीक है, ये कोस ए से कोस स्क्वायर उसकी गुना उसमें, तो यानी कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी सेम है वो भी सेम है, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने देखा क्या, कोस स्क्वायर तो हमारे पास सेम है ही, कोस स्क्वायर ए प्लस ये लिखा हमने क्या 1 का स्क्वायर 1 प्लस, अब हम क्या बोल रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर 1 और साइन का साइन स्क्वायर ए प्लस के 2 साइन ए, 2 साइन ए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हमने देखा क्या 1 प्लस के साइन ए ये है और cos cos into है। अब हमने क्या cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a क्या होता है इक्वल 1 और एक 1 ये है, ठीक है, तो 1 प्लस 1 एक तो इन दोनों का 1 है और एक ये 1 है और प्लस के कितना है 2 sin a है और अपॉन में क्या है 1 प्लस के sin a है और क्या है cos a, यहां तक कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं इधर, तो यानी कि हमारे पास कितना आ चुका है 2 प्लस के 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस के साइन ए और कोस ए, ठीक है। एलसीएम कितना आ रहा है 2, तो अंदर कितना 1 प्लस के क्या एलसीएम बोल रहा हूँ कॉमन, यानी कि 2 अंदर बचा 1 प्लस के साइन ए और यहाँ पे 1 प्लस के साइन ए और कॉस ए, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इससे पूरे से ये कैंसिल, ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाए 2 और अपॉन कॉस ए और
और जब ये टू है तो टू को ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन कोस ए, और ये वन अपॉन कोस ए क्या होता है सेक, तो इसके टू सेक ए, और यही क्या करना था हमें टू। क्या आ चुकी है हमारी एल एच एस बराबर आ चुकी है आर एच एस, और ये हमें क्या करना था टू के सी। ठीक है, ये क्या करना था हमें सी करना। ठीक है, तो दोस्तों देखा हमने कैसे सॉल्यूशन किया। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हमने सॉल्यूशन किया हर एक क्वेश्चन का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले। तो दोस्तों आपने स्क्रीन कर लिया, अब करते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन शो। तो थर्ड नंबर में क्या है, सबसे पहले ये क्वेश्चन है, तो हम इसकी क्या ले रहे हैं एल एच एस। ठीक है, एल एच एस क्या है हमारे पास, इसकी टेन थीटा अपॉन वन माइनस के कोट थीटा प्लस के, ये कितना है कोट थीटा अपॉन वन माइनस के टेन थीटा। ठीक है, ये है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो अब हम इस सबसे पहले करेंगे इस सब तोड़ेंगे साइन और कोस के पद। ठीक है, टेन थीटा को हमने क्या लिखा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अब ये बटा बटा ये वाला, अब ये वन है माइनस के है कोट, को हम क्या लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है किसी को भी। अब ये वाला प्लस है। ठीक है, अब ये कोट थीटा है, कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, अब ये वाला बड़ा बटा। ठीक है, अब ये वन ये वन ये माइनस माइनस, अब टेन थीटा वन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसका एल से, सबसे पहले इसका नीचे वाले का एल से नहीं है क्योंकि वो तो हमारे पास सेम है ऑलरेडी। अगर हमने क्या साइन थीटा सेम लिखा, साइन थीटा बटे कोस थीटा सेम है हमारे पास, एलसीएम किसका लेंगे तो बड़ा बटा है, एलसीएम लेंगे किस साइन में, तो ये साइन थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा आ चुका, तो ये यहाँ पे कितना साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं। अब ये वाला प्लस ये रहा। ठीक है, अब उसी प्रकार से ऊपर सेम है हमारे पास कोस थीटा है अपॉन साइन थीटा है, अब ये बड़ा बटा। अब उसी प्रकार से इनके हम क्या एलसीएम लिया कोस थीटा हुआ हमारे पास माइनस के साइन थीटा अपॉन कितना कोस थीटा, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा क्या क्या होता है दोस्तों, ये वाली चीज आती है यहाँ और ये वाली चीज आती है ऊपर, इसी प्रकार से ये वाली चीज यहाँ और ये वाली ऊपर। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं किस प्रकार से, साइन की साइन ऊपर गुना होगी तो कितना साइन थीटा, चलो लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कितना ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये गुना किसके साथ हो रही है कोस की, तो इनके कोस थीटा, ये वाला प्लस ये रहा यहाँ ये वाला प्लस है। ठीक, अब हम कोस की कोस में, तो इनके कोस थीटा इनटू कोस थीटा अपॉन ये कितना है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये साइन थीटा की गुना, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। ठीक है आपको, ठीक है अब देखा क्या गुना करते हैं इसकी, और फिर से हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे फिर से एलसीएम लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी आपको। ठीक है, अब देखना क्या करेंगे हम इसको, ऊपर क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा है और नीचे है क्या कोस थीटा है, अब ब्रैकेट लगाया हमने
साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, ठीक है। अब जो ये प्लस है और ये कितना है कोस थीटा की कोस थीटा में, तो कितना कोस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब क्या ये देखना, ये कोस थीटा है माइनस के साइन थीटा है, ठीक है। ये कितना है कोस थीटा माइनस के साइन थीटा, और जबकि ये साइन थीटा है माइनस के कोस थीटा, तो हम क्या करेंगे इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, ये माइनस है यहाँ पे, तो हमारे पास बचेगा साइन थीटा माइनस के कोस थीटा हो जाएगा, और कितना साइन थीटा, ये माइनस का, इस माइनस को अलग कलर से लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे हमने क्या क्या है माइनस कॉमन लिया है, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी आपको। अब आपने देखा ये है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कोस थीटा, ये एक स्टेप इसलिए बढ़ चुका है ताकि आपको पता रहे कि हम करा क्या है, ठीक है। ये माइनस, अब ये प्लस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए एक स्टेप बढ़ाया है, वरना क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो सकता था, ठीक है। हम एक स्टेप स्किप कर सकते थे लेकिन हमने किया नहीं है, ताकि आप अच्छे से हर चीज समझ सकें, ठीक है। अब क्या होगा, एलसीएम आएगा, क्या आएगा, एक तो कोस थीटा है और एक साइन थीटा है, और ये तो सेम रहेगा ही, तो हमारे पास क्या आ चुका है, एक तो कोस थीटा आ चुका है हमारे पास, और एक आ चुका है साइन थीटा आ चुका है हमारे पास, और एक क्या है पूरा का पूरा साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब हमने देखा कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, इस पूरे से ये पूरा, तो बचा क्या साइन थीटा, तो साइन थीटा के ऊपर साइन स्क्वायर पहले से है, तो कितना हो जाएगा साइन की क्यूब थीटा, अब क्या है माइनस है, ठीक है। इससे पूरे से ये कैंसिल और साइन से साइन कोस बचा, तो ऊपर क्या कोस क्यूब थीटा, यहाँ तक परेशानी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, ठीक। अब देखते हैं हम क्या करते हैं इसमें। अब हमारे पास क्या है a की क्यूब माइनस b की क्यूब, क्योंकि साइन की क्यूब है और ये कोस की क्यूब है, तो इसका फॉर्मूला पता है किसी को, किसी को भी, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखते हैं किस प्रकार से होता है, देखो मैं यहाँ पे चूंकि करके लिख देता हूँ फॉर्मूला, a की क्यूब माइनस के b की क्यूब इक्वल होता है a माइनस के b है, अंदर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए, ठीक है, ना होगा प्लस के ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये चूंकि करके हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, ठीक। अब देखते हैं ऊपर क्या होगा, साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, ये तो आ चुका है उस प्रकार से ये वाला। अब क्या करेंगे ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। और अपॉन में क्या है कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और क्या है इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब हमने देखा क्या, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल, ठीक है, हो रहा है ना, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है वन, वन ही होता है ना, तो ये कितना हुआ हमारे पास वन प्लस साइन थीटा इंटू कितना कोस थीटा, और अपॉन में कितना है हमारे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब हम इस साइन थीटा और कोस थीटा को एक बार वन के अपॉन में लिखेंगे और एक बार लिखेंगे इसके, क्योंकि हमने एलसीएम ही तो लेते हैं जब इस प्रकार से करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं इसे लिख रहे हैं वन अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये प्लस और ये साइन थीटा कितना इंटू कोस थीटा, और अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब हमने देखा क्या, इस साइन से ये साइन कैंसिल, इस कोस से ये कोस कैंसिल, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब हमारे पास क्या चीज बची, हम इसको इधर लिखते हैं,
हमारे पास जो बची वो बची एक तो बची वन अपॉन कोस थीटा इंटू एक बची वन अपॉन साइन थीटा और हमारे पास वन आया। वन अपॉन कोस क्या होता है सेक थीटा इंटू वन अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा और प्लस के वन और यही क्या करना था हमें सी। तो हमारे क्या आ चुकी है एल एच एस बराबर आर एच एस। हमने क्या किया ये सिद्ध कर दिया। अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमारे समझ में यहाँ से नहीं आया। मैं एक बार देख इसको रिपीट कर देता हूँ। देखो हमारे पास ये था क्वेश्चन टेन थीटा अपॉन वन माइनस के कोट थीटा प्लस वन कोट थीटा अपॉन वन माइनस के टेन थीटा इक्वल होता है इक्वल क्या सिद्ध करना है वन प्लस के क्या सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है हमने सबसे पहले इसकी एल एच एस ली हमने सबसे पहले क्या LHS लिए LHS को क्या tan थीटा अपॉन वन माइनस के cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन वन माइनस के tan थीटा लिखा tan थीटा को हमने चेंज किया। ठीक है फिर उसी प्रकार से cos थीटा को उसी प्रकार से यहाँ पे cot थीटा को और उसी प्रकार से tan थीटा को फिर क्या लिखे यहाँ हमने LCM लिया और जो चीज़ यहाँ की वो यहाँ और ये यहाँ। ठीक है ये आया अब इसके बाद sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा यहाँ से हमने क्या ये देखो सेम नहीं हो रहा था तो हमने सेम करने के लिए इससे क्या लिया माइनस कॉमन यहाँ पे तो हमने सेम बनाया साइन थीटा माइनस कोस थीटा किया। ठीक है और इस माइनस को यहाँ पे लिख दिया क्योंकि ये प्लस और माइनस क्या होता है माइनस और चेंज किसका आता है जिसकी संख्या बड़ी हो। ठीक है अब जब हमने इसका एलसीएम लिया तो ये तो सेम आएगा कोस थीटा ये यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा और ये साइन थीटा। ठीक है अब चल कोस थीटा से ये पूरा का पूरा कोस थीटा कैंसिल और कोस साइन थीटा माइनस कोस थीटा से ये पूरा कैंसिल बचा क्या साइन थीटा के ऊपर साइन स्क्वायर थीटा में गुना। ठीक है तो कितना आ चुका है माइनस के यानी कि साइन क्यूब थीटा माइनस के ये आ चुका है तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब इसमें हमने तो आप फॉर्मूला लगाया ऊपर वाले में ए की क्यूब माइनस के बी की क्यूब इक्वल होता है माइनस के बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। ठीक है और ये हमने फॉर्मूला लगाया फिर ये हमने फॉर्मूला खोला फिर इतना आया फिर हमने इसको तोड़ दिया यानी कि एक बार इसे बन के अपॉन में लिख दिया और एक बार इसके तो इससे देखा यहाँ पे वन और फिर हमने ये किया। ठीक है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीन शॉट लें फिर मैं आपको फोर नंबर का क्वेश्चन करता हूँ। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया अब करते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। ठीक है अब हम क्या कर सकते हैं इसको तोड़ सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं वन प्लस के क्या वन अपॉन कोस थीटा यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं इसको क्या लिख सकते हैं वन अपॉन कोस थीटा इक्वल इस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं वन माइनस के कोस स्क्वायर थीटा क्योंकि सर्वसम्मिता से और इसे वन माइनस के कोस थीटा तो है ही हमारे पास। ठीक है अब हम क्या करेंगे इसका एचसीएम लेंगे कितना आ चुका है कोस थीटा और ये ऊपर कोस थीटा प्लस के वन अपॉन कितना वन अपॉन कोस थीटा। अब हमने देखा क्या इस कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल और ये तो ऊपर तो चल ही रहा है कितना अब हम इसको लिख सकते हैं ये एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं वन प्लस के कोस थीटा वन माइनस के कोस थीटा और ये कौन ये वन माइनस के कोस थीटा। ठीक है अब हमने देखा
क्या कितना बचा, वन प्लस के कॉस थीटा और इक्वल इससे पूरे से कैंसिल, तो इधर भी लेना वन प्लस के कॉस थीटा। और ये क्या करना था हमें, सिर्फ करना था, ये क्या कर दिया हमने, ये क्या किया हमने प्रूव किया कि ये हमें सिद्ध कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी सॉल्यूशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्त भी उठा सकें। ठीक है, और दोस्तों आपको अगर कुछ भी डाउट्स है, आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप हमने वीडियो में लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप किसी भी माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, या टेलीग्राम हो, या व्हाट्सएप हो। ठीक है, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।